दोस्तों आज मैं कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग करके आप सबको बताने वाला हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फोटो में शायरी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। मैंने शायरी कैसे लिखा है इस फोटो पर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करके आपका फोटो को इंपोर्ट कर लेना है जिस फोटो पर आपको शायरी लिखना है। दोस्तों फोटो इंपोर्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपको जो ये टूल सब दिख रहा है इस टूल को ऊपर की तरफ करना है और ऊपर की तरफ करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ऐड फोटो में चले जाना है और ऐड फोटो में जाने के बाद दोस्तों आपको ब्लैक एंड वाइट एक फोटो ले लेना है। दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लेने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और दोस्तों स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लेंड का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें चले जाना है और ब्लेंड का ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों आपको मल्टीप्ले कर देना है। दोस्तों मल्टीप्ले करने के बाद आपको इसको बड़ा करना है और आपको नीचे की तरफ ले आना है और दोस्तों ये आपका जो छोटा सा गोला दिख रहा है इस पर आपको फिंगर को रख के नीचे की तरफ इस तरह से आपको नीचे की तरफ करना है। दोस्तों करने के बाद दोस्तों आपको साइन वाले मार्क पर क्लिक करके फोटो को आपको डन कर लेना है। दोस्तों डन करने के बाद आपको फिर से ऐड फोटो पे चले जाना है और ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको एक PNG जिस पर शायरी लिखना है उसको आपको फोटो को इंपोर्ट कर लेना है। दोस्तों ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे से ग्रुप में चले जाना है और ग्रुप में आने के बाद दोस्तों आपको एक भाग को कट कर लेना है और कट करने के बाद दोस्तों साइन वाले मार्क पर क्लिक करना है। दोस्तों साइन वाले मार्क पर क्लिक करने के बाद इसको आपको जूम करना है इस तरह से आपको जूम करना है और जूम करने के बाद आपको कहीं पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टेक्स्ट का जो टूल दिख रहा है आपको टेक्स्ट टूल में चले जाना है। दोस्तों टेक्स्ट टूल में जाने के बाद आपको शायरी को यहाँ लिखना है। तो मैंने शायरी लिख कर रखा है तो मैंने सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको एक लाइन को आपको इसमें लेना है और बाकी जो लाइन है उसको आपको हटा देना है। तो मैंने बाकी लाइन को हटा दे रहा हूँ इस तरह से, यहाँ से कट कर लूँगा और कट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको डन कर लेना है। जो डन करने के बाद फिर से साइन वाले मार्क पर क्लिक करके डन कर लेना है और दोस्तों डन करने के बाद आपको यहाँ से बहुत सारा दिख रहा है फॉन्ट, आपको एक फॉन्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने एक फॉन्ट आपको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो फॉन्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने अनुसार से। तो मैंने एक फॉन्ट को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने इस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया। तो सिंपली आपको यहाँ कलर टूल जो दिख रहा है कलर टूल में चले जाना है और कलर टूल में आने के बाद दोस्तों आपको इस टूल में चले जाना है और इस टूल में आने के बाद दोस्तों आपको रेड कलर ले लेना है। रेड कलर लेने के बाद दोस्तों इस वाले साइन मार्क पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो फॉन्ट है उसका कलर चेंज हो चुका है और होने के बाद दोस्तों आपको अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना है। और दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो ये सिंबल दिख रहा है इस सिंबल पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ डिफ़ॉल्ट जो दिख रहा है इस पर करके डिफ़ॉल्ट करना है। डिफ़ॉल्ट करने से क्या होगा, इसका एक कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको इधर करना है और इधर करने के बाद दोस्तों साइड में टैप करना है और टैप करने के बाद दोस्तों आपको टेक्स्ट पे ऐड करना है और टेक्स्ट पे ऐड करने के बाद आपको फिर से टैप पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपको एक सेंटेंस को छोड़ देना है और बाकी वाला सेंटेंस को कट कर लेना है। कट करने का दोस्तों डन कर लेना है और डन करने के बाद फिर से साइन वाले मार्क पर क्लिक करना है और आपको फिर से यहाँ ले आना है। आप एकदम फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा तब का हो जाएगा। मैंने पहले ही सेलेक्ट कर रखा है तो ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट रहेगा। उसके अंदर कलर टूल में चले जाना है और कलर टूल में आने का फिर से इसमें जाना है और इसमें आने के बाद दोस्तों आपको ग्रीन कलर लेना है, उसको डन कर देना है। दोस्तों ये देखिए ग्रीन हो चुका है। उसका दोस्तों आपको फिर से इस पर टाइप करना है और डिफ़ॉल्ट कर लेना है और इसको यहाँ रखना है। रखने के बाद दोस्तों आपको फिर से साइड में टाइप करना है और टाइप करने के बाद दोस्तों टेक्स्ट में चले जाना है और टेक्स्ट में आने के बाद आपको पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपको एक सेंटेंस छोड़कर बाकी वाले सेंटेंस को कट कर लेना है। कट करने के बाद दोस्तों डन करना है और साइन वाले मार्क पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस पे ले आना है और उसको जूम करना है और जूम करने के बाद दोस्तों कलर सेक्शन में जाना है और कलर सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको ब्लैक ले लेना है और डन कर देना है। तो यहाँ ये हो गया। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको इस पर टाइप करना है और डिफ़ॉल्ट करना है और आपको इसको नीचे ले आना है। ले आने के बाद दोस्तों साइड में टैप करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे ले आना है और नीचे ले आने के बाद दोस्तों कलर सेक्शन में चले जाना है
और इसमें आने के बाद दोस्तों आपको बैगनी कलर लेना है। यहाँ पर लेने के बाद दोस्तों इसको जूम कर देना है इस तरह से। करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ प्रोसेसिंग हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ साइन वाले मार्क पर क्लिक करके फोटो को डन कर लेना है। दोस्तों यहाँ मेरा फोटो एडिट हो चुका है। और दोस्तों सेव करने के लिए आपको सिंपली ड्रॉ टूल में चले जाना है। और दोस्तों ड्रॉ टूल में आने के बाद आपको थ्री डॉट का जो टूल दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद सेव इमेज पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नेटवर्क ओके, बाय बाय।